हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। जन संवाद में ग्रामीणों को दी गई योजनाओं की जानकारी। वैशाली जिले से कौशल किशोर सिंह की रिपोर्ट। वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पिरोई शमशुद्दीन पंचायत भवन परिसर में आज बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सभी विभाग के पदाधिकारी ने एक एक कर अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी उपस्थित ग्रामीणों को दी। जिला परिवहन पदाधिकारी वैशाली धीरेन्द्र कुमार द्वारा जनसंवाद के दौरान पंचायत के लोगों की जन समस्या भी सुना गया एवं निष्पादन के लिए उचित सलाह दिया गया। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा बताए गए जन समस्या पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीडियो उदय कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर पंचायत स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जन संवाद में आए बातों को जिला प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। वीडियो ने बताया कि पंचायत में पुल पुलिया का निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है, साथ ही रोड की मरम्मती की बात सामने आई है। वही भूमि संबंधित दाखिल खारिज का शिकायतों को सीओ ब्रजेश कुमार पाटिल ने सुना और मामले को तत्कालीन निष्पादन करने का आश्वासन दिया। सर, आज जो जन संवाद कार्यक्रम हो उसके दौरान आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जन संवाद इसलिए किया जा रहा है, अभी तक केवल जो है योजना चल रही है। सरकार का सोच है कि ये राज्य जो है जन कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य है। इस लोक कल्याणकारी राज्य में सभी को बराबर सभी योजनाओं का लाभ मिले। हम अभी तक अपने ग्रामीण जनता को कितना लाभ दे सके हैं, ठीक है ना, और क्या क्या लाभ दिया जा सकता है ग्रामीणों को, इस संबंध में ग्रामीण से भी हमको फीडबैक प्राप्त करना था कि वो योजना को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इस योजना से वो क्या लाभ लिए कि नहीं लिए, और अगर लिए इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था। इस संबंध में सारे जगह पर भी सभी पंचायतों में जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। सर, आपका परिचय? मैं जिला परिवहन पदाधिकारी वैशाली, प्रभारी पदाधिकारी ग्रौल प्रखंड। सर, नाम? नाम सर धीरेन्द्र कुमार। आवेदन कौन सा चैनल बोले? एसके चैनल के माध्यम से इस पंचायत के जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो योजना का तो लाभ ले ही रहे हैं, सारी योजनाओं की जानकारी भी रखें, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताएं भी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सा लोगों में जागरूकता भी पैदा करिए, जन भावना, जन सेवा की भावना को जागरूक करिए, ताकि मेरा समाज और मजबूत बन सके, हमारा राज्य और मजबूत बन सके। धन्यवाद सर।